यूट्यूब के इस चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए। दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल जो भी अपडेट्स आए वो सीधे हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुँचा सकें। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे हम बात करें STT शिक्षक अभ्यर्थियों की, चाहे हम बात करें प्राथमिक जो भी हमारे शिक्षक हैं 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि काउंसलिंग का आज अंतिम दिन है और काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। देख सकते हैं शिक्षा विभाग बिहार प्रेषक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में महापौर, सभी नगर निगम, नगर आयुक्त, सभी नगर निगम अध्यक्ष, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत अध्यक्ष, सभी पंचायत समिति परामर्शी समिति, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अध्यक्ष, सभी ग्राम पंचायत परामर्शी समिति, सभी ग्राम पंचायत के सचिव। आप देखिए यहाँ पे दिया गया है पटना दिनांक, विभागीय अधिसूचना ज्ञापन संख्या 621 दिनांक 3/7/2021 में पुनर्गठित विस्तारित नगर पंचायत नगर परिषद में शिक्षक नियोजन हेतु दिए गए निर्देश के क्रियान्वयन के संबंध में। तो लेटर जारी किया गया है, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं नियुक्ति से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के, जो कि आप देख सकते हैं। उपयुक्त विषय तत्कालीन प्रवृत्ति बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में शिक्षक नियोजन हेतु विषयांकित अधिसूचना द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में यह अंकित है कि ऐसे पंचायत जो नए नगर पंचायत अथवा नगर परिषद के पुनर्गठन विस्तारितकरण से प्रभावित हैं, उन पंचायतों में प्राप्त आवेदन पर नियुक्ति की प्रक्रिया विभागीय अधिसूचना दिनांक 23/6/2021 में निहित समय तालिका के अनुसार पूर्ण की जाएगी। तो देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि जो भी पंचायत नगर परिषद के पुनर्गठन में के विस्तारीकरण से प्रभावित हैं, जिनका विस्तारीकरण हुआ है उससे प्रभावित हैं, उन पंचायतों में प्राप्त आवेदन पर नियुक्ति की प्रक्रिया विभागीय अधिसूचना 5/4/94 दिनांक 23/6/2021 में निहित समय तालिका के अनुसार पूर्ण की जाएगी। तो ये दिशा निर्देश दिया गया है और आप आराम से पढ़ लीजिएगा इसे। इस क्रम में निर्देशानुसार यह अंकित करना है कि जिन पंचायतों का आंशिक भाग नए नगर पंचायत नगर परिषद में सम्मिलित हो गए हों अथवा जिन प्रखंडों के कुछ पंचायत नगर निकायों में सम्मिलित हो गए हों में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण करने के संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। जिन पंचायत का आंशिक भाग नव सृजित विस्तारित नगर पंचायत नगर परिषद में सम्मिलित हो गए हैं वहाँ संबंधित पंचायत नियोजन इकाई समिति द्वारा ही दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है समिति के द्वारा ही नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। शिक्षक नियुक्ति के उपरांत शिक्षक का पद स्थापना जिस प्राथमिक विद्यालय में हुआ हो उसकी स्थिति को ध्यान में रखकर संबंधित नव नियुक्ति शिक्षक की सेवा संबंधित पंचायत नियोजन इकाई द्वारा नगर पंचायत अथवा नगर परिषद को सौंप दी जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा अपडेट यहाँ पर दे दिया गया, आप एक बार पढ़ लीजिए इस लेटर को, प्राथमिक शिक्षा निदेशक का है। दूसरा हम देखेंगे काउंसलिंग सेंटरों में भी कुछ बदलाव किया गया है। तीसरा हम देखेंगे कि किन किन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है कल के काउंसलिंग में, और ये भी देखेंगे कि आज की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें कितने पद हैं, कितने पदों के लिए आज जो है काउंसलिंग होगी, तो वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। स्पष्टीकरण दिया गया है, देख सकते हैं उस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखकर विभागीय अधिसूचना 593 दिनांक 23/6/2021 अधिसूचना संख्या देख दिया गया है एवं अधिसूचना संख्या 621 दिनांक दिया गया है से निर्धारित नियोजन इकाई कार्यवाही को पूर्ण की जाए। देख सकते हैं आगे लिखा है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामणि का लेटर है, प्रेषक सचिंद्र कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामणि, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह सचिव प्रखंड नियोजन इकाई जिला सीतामणि, सभी पंचायत सचिव, सह सचिव पंचायत नियोजन इकाई जिला सीतामणि, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला सीतामणि। सीतामणि दिनांक दिख लिखा है 4/7/2021 प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 हेतु अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग। देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए विषय देख सकते हैं काउंसलिंग कराने के संबंध में है शिक्षा विभाग, ये है आपका सीतामणि से लेटर जारी किया गया है जो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया आज होगी उसको लेकर है ये।
उपरोक्त विषय विभाग यदि सूचना संख्या दे सकते हैं 593 दिनांक 23/6/2021 एवं यदि सूचना संख्या दे सकते हैं 610 दिनांक 29/6/2021 के आलोक में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं वर्ष 2019-20 में शिक्षक नियोजन हेतु दिनांक 5/7/2021 से 8/7/2021 तक जिला मुख्यालय में नगर इकाई एवं प्रखंडों का एक एवं दिनांक 12/7/2021 को प्रखंड मुख्यालय में सभी पंचायतों के अभ्यर्थियों के काउंसलिंग कराए जाने का निर्देश दिया गया है। आप दे सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा विषयवार बता दिया गया है, कैसे काउंसलिंग होगी, जगह का बता दिया गया है। बरगनिया प्रखंड के सभी पंचायत नियोजन इकाई में आप देख सकते हैं 1-5 में, बनसारी दे सकते हैं, तमाम दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है चरोत प्रखंड के सभी पंचायत नियोजन इकाई में, परसौनी प्रखंड के सभी पंचायत निकाय में देख सकते हैं, बथनाहा प्रखंड के सभी पंचायत नियोजन इकाई में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके दोस्तों जरूर एक बार पढ़ लीजिए और ज़रा आसानी से समझ लीजिए क्या कुछ है इसमें, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं दोस्तों कि कल जो काउंसलिंग हुई थी 7/7/2021 को काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अररिया में देखिए, अरवल में, औरंगाबाद में प्रखंड निकाय की संख्या नहीं है, कुल पद नहीं थे, चयनित अभ्यर्थी भी नहीं है, अवशेष रिक्ति भी नहीं है। उसके अलावा देखिए बांका की बात करें तो प्रखंड निकाय की संख्या 2 है, कुल पद देखिए 78 थे और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 58 है, 20 अवशेष रिक्त रह गए। उसके बाद भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, ठीक है, गया आप देख सकते हैं दोस्तों, और गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, लखीसराय, ये तमाम जगह में आप देख सकते हैं बताया गया है कि कितने पद जो हैं अभ्यर्थियों के, कितने आप देख सकते हैं नगर निकाय थे 22 जिलों के 113 प्रखंड हैं, कुल पद कितने से 378, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या देखिए 1755 थी, 623 रिक्ति अभी भी शेष रह गई है शिक्षकों की। तो जिस जिसका चयन हुआ है दोस्तों सभी को ढेर सारी बधाई है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप पूरा का पूरा अपडेट देख लीजिए कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 7वें चरण की शुरुआत जल्द हो जाएगी, क्योंकि अधिक से अधिक रिक्तियां जो हैं वो शेष रह गई हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, चाहे हम बात करें 1-5 चाहे हम बात करें 6-8 दोनों के लिए। वहीं आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए सीतामढ़ी, सारण, सिवान, सुपौल, वैशाली, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आज की जो काउंसलिंग होने वाली है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए आज 1-5 के लिए 8/7/2021 में काउंसलिंग के लिए देख सकते हैं विषय की संख्या और कुल पद हम देख लेते हैं। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, तमाम जगह के आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शेखापुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, सुपौल, वैशाली, हर जगह की आप देख सकते हैं दोस्तों कुल रिक्तियाँ आप देख सकते हैं। कुल पदों की संख्या 7 है और जैसे 1732 यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल पदों की संख्या आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 1732 से देखना है कितने अभ्यर्थियों का इसमें चयन होता है। तो ये आज की काउंसलिंग का अपडेट है। तो पल पल की खबर के लिए दोस्तों आप बने रहिए, जितनी भी अपडेट्स आएगी हम सीधे पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।